2 लाख की सुपारी देकर बाप ने कराया था बेटे का मर्डर। मृतक रविंद्र छोटे भाई की पत्नी पर रखता था बुरी नजर। संबल में बाइक समेत मृत मिले रविंद्र की सुपारी किलर से हत्या कराई गई थी। यह हत्या युवक के पिता और भाई ने ही कराई थी। छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखना हत्या की वजह बनी है। पुलिस ने 2 सुपारी किलरों, हत्यारोपी पिता तथा उसके भाई समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर हत्या बनाम दुर्घटना मामले का चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूरा मामला एनचोंडा कंबो थाना क्षेत्र में मडावली रसूलपुर रोड की पुलिया का था, जहां 12 जून को रविंद्र नाम के युवक का शव मिला था। पास ही एक बाइक पड़ी थी, जिससे हत्या से ज्यादा दुर्घटना की आशंका नजर आ रही थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि युवक के पिता ने पूछताछ में बताया कि रविंद्र अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, जिसके बाद उसने अमरोहा के 2 सुपारी किलर से 2 लाख में अपने ही बड़े लड़के की हत्या का सौदा कर दिया। उसने तथा उसके 2 दोस्त, छोटे पुत्र और सुपारी किलरों ने गला घोट कर रविंद्र की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पुलिया के पास फेंक दिया तथा बाइक भी वहां डाल दी, जिससे हत्या दुर्घटना दिखे। पिता और सगे भाई द्वारा बदचलने के आरोपी युवक की हत्या में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त रस्सी आदि भी बरामद कर रविंद्र नाम के युवक की हत्या का खुलासा किया है। संबल से कपिल की रिपोर्ट। सर, आज ये हत्या का खुलासा किया है सर, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या बोलेंगे? 12 जून के दिन थाना एचौड़ा कंबो के अंतर्गत मड़ावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे एक युवक जिसका नाम रविंदर है, इसका शव बरामद हुआ था। पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली थी। प्रथम दृष्टया जो एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा था, बाद में जब इसमें गहनता से छानबीन की गई तो इसमें आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विजय जो इस मृतक का पिता है, गजेंद्र जो इसका भाई है, धर्मपाल, नेत्राम, नारायण और राजीव। इस तरह से ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस तरह का था कि इसमें जो इसका पिता है, इसके द्वारा बताया गया पूछताछ के दौरान कि जो मृतक है वो अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता था, उसके साथ अश्लील हरकत करता था, जिसकी वजह से इन पिता और उसके भाई ने मिलकर ये प्लान बनाया और इन्होंने इस मर्डर के लिए अमरोहा के रहने वाले नारायण और राजीव, इन दोनों को इसकी सुपारी दी, जिसमें 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। कुछ पैसा पहले दिया गया था और कुछ पैसा बाद में देने की बात थी। इन दोनों के द्वारा इस युवक का गला घोंट कर इसकी हत्या की गई और बाद में एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए इसको पुलिया के पास फेंका गया। इस कार्य में इनकी सहायता धर्मपाल और नेत्राम ने की। ये दोनों जो युवक का पिता है उसके दोस्त हैं। इस प्रकार से इस घटना का खुलासा करते हुए जो घटना में प्रयुक्त सामान था उसको भी बरामद किया गया और इन 6 लोगों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। कितने रुपए की बात सामने आई? कुल 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी युवक जो मृतक है उसके पिता की तरफ से। मृतक भी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। सर, इसमें बाइक का जो इस्तेमाल किया हुआ है, बताया आपने कि एक्सीडेंट का रूप देने के लिए, तो उसमें किसकी बाइक सामने आई? बाइक किसकी है उसका हम लोग गहराई से छानबीन करा रहे हैं।